इंडिया और श्रीलंका के हुए दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए, तो वहीं श्रीलंका ने अपने पारी में 109 रन ही बना पाए। तो यहां पर दूसरे दिन पर इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 303 रन पर बल्लेबाजी करके इंडिया आउट हो गई। वहीं श्रीलंका को 419 रनों का टारगेट यहां पर जीतने के लिए इंडिया ने दिया है। वहीं इंडिया के मयंक अग्रवाल ने 22 रन बनाए, तो रोहित शर्मा ने 46 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। तो वहीं हनुमा विहारी ने 35 रनों की पारी खेली। वहीं किंग कोहली ने 13 रन ही बनाकर किंग कोहली आउट हो गए। एक बार फिर ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए ऋषभ पंत ने 50 रन बनाए। तो वहीं एक बार फिर श्रेयस अय्यर चमके और श्रेयस अय्यर ने 67 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हो गए। तो वहीं जडेजा ने 22 रन की पारी खेली। अश्विन ने 13 रन तो अक्षर पटेल ने 9 रन की पारी खेली। तो वहीं मोहम्मद शमी ने 16 रनों की पारी खेलकर इंडिया ने अपना स्कोर डिक्लेयर किया और यहां पर श्रीलंका को 419 रनों का टारगेट दिया। तो वही बात की जाए तो यहां पर लकमल ने एक विकेट लिया। तो वही एमसुया ने इस बार अलग ही तो दिखाए और 3 विकेटें ली। तो वही जय विश्वकर्मा ने यहां पर 4 विकेटें ली। वही धनंजय डी सिल्वा ने इस बार खाता भी नहीं खोला। तो यही पर 419 रनों का टारगेट देते हुए यहां पर श्रीलंका को अगर इस मैच में जीतना है तो 419 रनों का टारगेट यहां पर श्रीलंका को करना होगा। एक बार फिर से इंडिया ने धमाका करके इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए श्रेयस अय्यर ने। पहले पारी में श्रेयस अय्यर ने 92 रन की पारी खेली, तो दूसरे पारी में श्रेयस अय्यर ने 67 रन की पारी खेली। वहीं ताबड़ तक रन करते हुए ऋषभ पंत ने 50 रन की पारी खेली और इंडिया का स्कोर यहां पर 303 रनों तक पहुंचाया। तो वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो अब का श्रीलंका का स्कोर 50 रन पर 2 विकेटें हैं। यही नहीं तो फिलहाल यहां पर दूसरे दिन ही इतना सही क्रिकेट इंडिया खेला है कि रिकॉर्डिंग के आधार पर इंडिया तीसरे दिन ही दूसरा टेस्ट इंडिया यहां पर जीत सकती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।